तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि आपका टाइम टेबल आने वाला है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम जितने शेष पेपर बचे हैं वो आपके अब होने वाले हैं। तो आपको कितना जो पेपर आपके दो शेष बचे हैं, 12th मैथ वालों के और क्लास 10th का एक पेपर बचा है, तो उनके कितना गैप मिलेगा? तो 12th वालों को पहले मैथ के पेपर में 10 दिन का गैप तो पहले ही चल रहे थे, लेकिन अब जो है काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है और जो बोर्ड को है उसको रिजल्ट भी तैयार करना है, अभी कॉपी चेक भी नहीं हुई है। तो उस हिसाब से आपके पेपर बहुत ही जल्दी होंगे, आपको गैप बहुत ही कम मिलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पेपरों के बीच में 2 या 3 और अधिक से अधिक 4-5 दिन का ही गैप मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी अभी से कर लें, जिससे अगर आपको गैप भी ना मिले तब भी आपकी परसेंटेज पर कोई असर न पड़े। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, आपको पता है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई नई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपका टाइम टेबल आता है, किस कब टाइम टेबल आएगा सब आपको बता दिया जाएगा, तो आपको गैप नहीं मिलेगा। एक बार फिर बता देता हूँ, आपको पेपर में ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी अभी से रखें। तो दोस्तों धन्यवाद।